कुछ एवं टिड्डा इसका टेस्ट है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, खड़ी फसल को चौपट कर फसलों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। ए ऑप्शन है कॉकरोच, बी ऑप्शन है दीमक, सी केंचुआ और डी है टिड्डी। बताइए जरा। खड़ी फसल को कौन नुकसान पहुंचाता है? कौन आएगा? टिड्डा। वेरी गुड, पहले का डी। दूसरा है टिड्डे में संवेदी अंग कहलाते हैं। कौन से होते हैं संवेदी अंग? सेंसर होते हैं जिनमें पंख, टांग, नेत्र, एंटीना। कौन? एंटीना। वेरी गुड गुड गुड। तीसरा है, टिड्डे में कितने संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। नहीं भाई, कितने संयुक्त नेत्र होते हैं? एक जोड़ी मतलब दो। हाँ दो दो। वेरी गुड, ये आंसर ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डे में ऊपरी होंठ का कार्य करता है, तो ऊपरी होंठ को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ सही है, गुड गुड गुड। तो बी आंसर आएगा, लिब्रम। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, टिड्डे के आहार नाल में कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? तीन, है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में, ग्रसनी में, लार ग्रंथि में, क्रॉप में। ठीक है, क्या आएगा आंसर? अपना अपना स्कूल लिख, अपना अपना बेटा स्कूल लिखते जाना है ना, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हुए ना, तुम लोग अपना स्कोर देख लेंगे बाद में सबका। तो इसका आएगा सी आंसर, लार ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को महीन करने का कार्य होता है, बारीक पीसने का काम, मतलब महीन। क्या आएगा इसका? गिजार्ड है, गिजार्ड या पेशनी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डे में गैस्ट्रिक सीका या हेपेटिक सीका की संख्या होती है, कितने होते हैं? 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी। कितने होते हैं? 6 जोड़ी, है ना? 12 होते हैं, 6 जोड़ी। नेक्स्ट है, टिड्डे में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? उत्सर्जन कहाँ से होता है टिड्डे में? वेरी गुड, मेलपीनियन नलिका, इसका ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओविपोजिटर किसका अंग है? अब जो ओविपोजिटर है वो किस में पाए जाते हैं? मेल में, फीमेल में, दोनों में, अलग अलग है? मादा टिड्डा आएगा। वेरी गुड, 10वें का बी आंसर आएगा, मादा टिड्डा। स्वाति का स्कोर बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा टिड्डे में अंडाशय कितने जोड़ी होते हैं? कितने कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी। हाँ, एक जोड़ी सही आंसर है, डी। नेक्स्ट है, नर टिड्डे में वृषण पाए जाते हैं, कौन से खंड में पाए जाते हैं वृषण? 3, 4, 5 खंड में। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक का मेरे ख्याल से किसी का भी एक भी गलत नहीं हुआ है शायद। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का सबसे अधिक पाचन व अवशोषण किस में होता है? सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण, अग्रांत, मध्यांत, पश्चांत, रेक्टम। इसमें होता है, हाँ मध्यांत इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में रक्त को कहा जाता है, क्या कहते हैं? हिमेटोसाइट, हीमोग्लोबिन, हीमोलिम्फ और हीमोसिल। वेरी गुड, हीमोलिम्फ।
चौदह सी आंसर सही है, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला बेसिम व साई बेसिम किसके भाग हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा का एक मिनट जी, थोड़ा कैंची को खुल गया यार। क्या आएगा उसका आंसर? मुख गुहा। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये क्या है, सैला बेसिम बा साई बेसिम किसके भाग हैं? तो इसका आंसर आएगा 15वें का ए आंसर आएगा, मुख गुहा। सैलाइवा, सैलाइवा मतलब लार होता है, उसी से मिलता जुलता है, लार मुख गुहाई में होती है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक का पूरा पॉइंट पूरा स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम, इलियम कोलन व रेक्टम भाग है, किसका भाग है? इलियम कोलन व रेक्टम किसका भाग है बताइए जरा, नहीं दिख रहा। ए ऑप्शन है एस्टोमियम, बी ऑप्शन प्रोक्टोडियम, सी ऑप्शन मिसेंटोरॉन और डी ऑप्शन हेपेटिक सी का। बी आएगा, बी किसको बोलते हैं, प्रोक्टोडियम को क्या बोलते हैं? अरे प्रोक्टोडियम ये वो भाग है आंत के, हाँ तो पश्चात्र को क्या बोलते हैं? हैं पक्का? अच्छा पश्चांत्र बोलते हैं ना इसी को। रू मतलब तो पहले होता है क्या भाई? 16 का बी आएगा, प्रोक्टोडियम। ठीक है, तो पूर्वांत नहीं, इसको पश्चांत्र बोलते हैं, प्रोक्टोडियम को। हाँ मतलब इसका मतलब तुम आंसर बदल दोगी, कॉन्फिडेंट नहीं हो। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अपना अपना स्कोर माइनस कर लेना ही। नेक्स्ट है, मध्यांत्र व पश्चांत्र के मध्य स्थित होती है, मध्यांत्र और पश्चांत्र के बीच में क्या स्थित होता है? नलिका या सभी है, नलिका, सत्रह, सत्रह का आंसर है, सत्रह का सी। ठीक है, सत्रह का सी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डे में टिम्पेनल अंग स्थित होता है, कहाँ पर होता है? पक्का सिवर है, उधर के नवे खंड में। चलिए ठीक है, बाद में आंसर शीट से आप चेक कर लेना है ना, उसको मिला लेना, अभी बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रधानी हिस्सा है, किसका है भाई, नर का, मादा का, दोनों का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोजिशन बिंब प्रायरू किन कीटों में बनते हैं? अब एपोजिशन बिंब मतलब समझ रहे हो, वो प्रतिबिंब बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो प्रतिबिंब बन रहे थे, बहुत सारे बनते हैं, तो दिनचर, रात्रि चर, उभयचर, सभी। क्या आएगा? बी का ए आएगा, दिनचर, दिन में ही बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबलेट कोशिकाओं का कार्य है, अब ये शायद तुम पढ़े हो, गोबलेट कोशिकाओं का कार्य पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो?
ये इंग्लिश नेम लिखा है गोबलेट को सिखाओ। प्रश्न कहाँ से आएगा? अरे भाई पाचन आएगा, पाचन आएगा, पाचन। श्वसन तो मेल की वो करती है, ट्रेकिया के द्वारा होता है श्वसन नली। हाँ कुछ भी बोल रही है, अपना अपना स्कोर लिखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डी में किस प्रकार का श्वसन तंत्र देखने को मिलता है? तो ये तो कल ही पढ़ा था हमने, श्वसन तंत्र। वेरी गुड। हाँ होलोन्यूस्टिक, होलोन्यूस्टिक, शानदार। चलिए नेक्स्ट, अच्छी बात है, पूरे क्वेश्चन उसी से हैं, क्लास में बार बार देख लेना रिपीट कर करके, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन बोल रहा है? हम तो वाला करण भी है क्या? अच्छा करण भी जुड़ गया, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डी के उदर में कितने जोड़ी श्वसन छिद्र खुलते हैं? तो बताएं जरा, ये भी पढ़ा था हमने श्वसन छिद्र। उधर के पूछ, केवल उधर के पूछ रहा है टोटल। वेरी गुड, शानदार। आठ जोड़ी, आठ जोड़ी, ठीक है। 23 का बी आएगा, ठीक है, आठ जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डे में निश्वसन के समय कितने जोड़ी श्वसन छिद्र खुलते हैं? देखिए अब निश्वसन और उच्च श्वसन दोनों पढ़ाए थे मैंने कल। निःश्वसन के पूछे हैं, निःश्वसन के समय कितने छिद्र खुलते हैं, कितने जोड़ी श्वसन छिद्र खुलते हैं, जरा बताएं कौन बताए? बी आंसर ठीक है, छह आएगा, ठीक है, कल हमने देखा था, देख लेना आप नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राशय किसके जनन अंग का हिस्सा है? नर। वेरी गुड। और नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, जोहानसन अंग प्राय एंटीना के किस खंड में स्थित होता है? तो ये अपने डायग्राम में पढ़ाया था मैंने कॉकरोच में, स्कैप, पेडिसेल, फ्लेजिलम, ट्रोकेंटर। आएगा पेडिसेल। हाँ पेडिसेल सही है, नेफेटोसाइट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेटोसाइट साइट से संबंधित है, जनन से, श्वसन से, उत्सर्जन से, पाचन से। नेफेटोसाइट उत्सर्जन से है, सी आएगा, हाँ उत्सर्जन से। और ये आखिरी क्वेश्चन है, टिड्डे में कर्णपट्ट उदर से किस खंड में स्थित होते हैं? कर्णपट्ट मतलब ये श्रवण वाले हैं, वो सुनने वाले, उदर से किस खंड में स्थित होते हैं? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। नोट्स में था शायद ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो मिट गया है, इसमें नहीं दिख रहा। चलिए इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, देख के, है ना? ठीक है आगे चलें। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां तक का स्कोर बताएं मुझे जरा, किसका कितना रहा है? 28 क्वेश्चन में से स्कोर बताओ, 28, 28 क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा है, अपना अपना स्कोर ईमानदारी से लिख लेना, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिख नहीं रहा थोड़ा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं पढ़ने का। रक्त कणिका कणिकाएं जो मरी हुई कोशिकाओं एवं संक्रामक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, उनको क्या कहते हैं? ये एक तो लिखा है, बी दिख रहा है मुझे, फेगोसाइट लिखा है, सी लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा?
मेरे ख्याल से फेगोसाइट ही आएगा, अपन ने उसमें पढ़ा था केएचपी में। 29 देख लेते हैं, 29 का बी आंसर सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के श्वसन छिद्र को जिसमें श्वसन छिद्र का अंतिम जोड़ा क्रियाशील होता है कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जिसमें आखिरी जोड़ा जो है वो क्रियाशील होता है श्वसन छिद्र का। एम्फीनियोस्टिक, ये तो पढ़ा ही नहीं था, नया क्वेश्चन है। बी आंसर है इसका, बी तुक्का नहीं लगाना है, बी है ना, जिसमें अंतिम जोड़ा क्रियाशील नहीं होता है उसको मेटान्यूस्टिक बोलते हैं। और मुझे कौन बताएगा टिड्डे में सारे सारे क्रियाशील थे, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे? हैं, कौन बताएगा? बोलो। हाँ, वेरी गुड, होलोनियोस्टिक। चलिए अगला अच्छा आसान क्वेश्चन है, जरा बताएं, पेरी प्लेनेटा किस गण या ऑर्डर से संबंधित है? पेरी प्लेनेटा अमेरिका ना, ये किसका नाम है, कौन बताएगा? कॉकरोच का। तो ये इसका क्या आएगा ऑर्डर? आर्थ्रोप्टेरा। आर्थ्रोपोडा कहाँ दिख रहा है तेरे को? आर्थ्रोप्टेरा। अरे अरे भैया, आर्थ्रोपोडा कहाँ दिख रहा है तेरे को? आर्थ्रोप्टेरा लिख रहा है, ढंग से देखना, देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के मुखांग है, माउथ पार्ट्स बताइए कैसे होते हैं? तो इसका ए आंसर आएगा, काटने में चबाने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वयस्क कॉकरोच में उदर खंडों की संख्या बताइए। अब ये भ्रूण अवस्था वाले के अलग थे, वयस्क के अलग थे, तो उदर में कितने खंड थे? 11 है? 33। एक मिनट, कहाँ चला गया? 33 का सी आंसर है बेटा, 10 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच का सिर दिख रहा है शेष भाग से, कॉकरोच का सिर शेष भाग से कितने डिग्री कोण बनाता है, जिसको हम अधर हनु स्थिति बोल रहे थे, अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था, समकोण था, समकोण। समकोण किसको बोलते हैं? क्या आएगा आंसर? तो डी आंसर आएगा, 34 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में सिर संपुट का बनाने वाली काइटिन प्लेट है, शिखर बनाने वाली। देखिए, कॉकरोच में सिर संपुट का शिखर बनाने वाली काइटिनस प्लेट है, कौन सी है? फ्रॉन्स की, क्लाइपियस की, वर्टेक्स की, जीनी की। देखिए, पता हो तो बता, तुक्के मत लगाया करो। 35 सी आंसर आएगा इसका, वर्टेक्स की। ठीक है, ये देख लेना, इसमें लिखा होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच की श्रृंगिका मतलब एंटीना का सबसे लंबा भाग है, ये मैंने बताया है, स्केप कहाँ से? स्केप तो आधार ही भाग है, श्रृंगिका मतलब एंटीना, तो इसका क्या आएगा?
मैंने बताया था, याद है? सी आएगा, फ्लेजिनम, मैंने बताया था उस तभी उसी टाइम। मैंने कहा आधार ये होता है स्केप और सबसे बड़ा होता है फ्लेजिनम। अब भैया अब तुम लोग देख लेना वीडियो बार बार, पता चल जाएगा बताया कि नहीं बताया। ठीक है, मैंने स्पेशली बताया था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जिसका फ्लेजिलम है वो ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथुन क्रिया के दौरान मादा द्वारा फेरामोन को ग्रहण करने का कार्य करता है। मादा द्वारा स्त्रावित फेरामोन, हार्मोन होता है एक प्रकार का, उसको ग्रहण करने का कार्य करता है। श्रृंगिका, लेबियल पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प और एनल स्टाइल, तो कौन करता है? ये भी उसमें लिखा है, मैंने पढ़ाया था। हाँ क्या आएगा आंसर? अरे एंटीना आएगा भैया। एंटीना, श्रृंगिका, ये ऑप्शन है। श्रृंगिका को ही बोलते हैं एंटीना। ठीक है, एंटीना को हिंदी में श्रृंगिका बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के मैंडिबल पर पाई जाने वाली कोमल गद्दियां हैं, उनको क्या बोलते हैं? और मैंने पढ़ाया था ये भी, एरोलियम, पल्विलस, प्लेंट्रुली, प्रोस्थिका, बताइए जरा। डी बोलेंगे, क्या आएगा? डी ऑप्शन ठीक है, प्रोस्थिका। ये लिखा है भाई नोट्स में, आप देख लेना जाके, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेबियम पेल्प के उद्गमन स्थल पर पाई जाने वाली प्लेट है। पेल्पीफर, पेल्पीजर, ग्लोसा, पैराग्लोसा, जरा बताएं। इसका आंसर है पेल्पीजर। डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, पेल्पीजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, कॉकरोच के मुखांग में मैक्सिला पर पाई जाने वाली रचनाएं हैं। अब मैक्सिला पर क्या पाया जाता है, ये बताइए जरा। 40वां क्वेश्चन, क्या बताओ जरा 40वें का। केलिया वा लेसिनिया, ए ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के वक्षखंड के सबसे बड़े टर्गम को कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम और एस्टर्नम। हाँ 41, हाँ 41 का आएगा, ए ऑप्शन प्रोनोटम। प्रोनोटम क्या आएगा? अगला क्वेश्चन बताइए, कॉकरोच की टांग का सर्वाधिक लंबा खंड है, क्या आएगा? फीमर, 42, हाँ 42 का फीमर नहीं है, 42 का डी है, टीबिया। देखिए वो लंबा खंड पूछ रहा है, लंबी हड्डी नहीं पूछ रहे। फीमर तो हड्डी है ना लंबी, तो लंबा खंड टीबिया आता है, मैंने देखा, बताया था उस टाइम पे, वो ऐसा दिखता है ना, वो फोटो में देख लेना, टीवी या टार्सस।
तो टीबिया जो है सर्वाधिक लंबा खंड होता है कॉकरोच की टांग का, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले तो फीमर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के टार्सस के प्रथम चार खंडों में पाई जाने वाली गद्दियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ये भी मैंने बताया था, एरोलियम, पल्विलस, प्लेंटुली, उपरोक्त सभी। बताया जा रहा 43 का है, 43 का सी है, प्लेंटुली, ठीक है। ये भी आप करेक्ट कर लेना, ढंग से देखना, उसमें प्लेंटुली है, गद्दियां स्पष्ट लिखा है। टार्सस के प्रथम चार खंडों में पाई जाने वाली गद्दियां, उसमें मैंने बताया भी था डायग्राम में, दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। समझ पा रहे हैं? देख लेना, इसका आंसर आएगा प्लेंटुली। अगला क्वेश्चन बताइए, भ्रूण अवस्था में कॉकरोच के उदर खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं, कितने दिखाई देते हैं भ्रूण अवस्था में? भ्रूण अवस्था क्या अलग है, भ्रूण क्या अलग है, क्या आएगा आंसर? नौ तो ऑप्शन में नहीं है, कहाँ दिख रहा है? नौ तो नौ नौ दिख रहा है, चश्मा लगा के बैठो तुम। तो आंसर क्या आएगा? 11। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर व मादा कॉकरोच में क्रमशः कितने उदर खंड स्पष्ट दिखाई देते हैं? देखिए ये भी डिस्कस हुआ था, स्पष्ट कितने दिखाई देते हैं, होते कितने हैं वो अलग बात है, लेकिन स्पष्ट कितने दिखाई देते हैं, नर में कितने और मादा में, कौन सा ऑप्शन आएगा? तुक्के लगा रहा है, कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ वेरी गुड, नर में 9 है और मादा में 7। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कॉकरोच में गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये गंध ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तीसरे तीसरे चौथे टर्गा के बीच, टर्गम मतलब, टर्गा मतलब टर्गम, 4 से 5 टर्गम के बीच, 5 से 6 टर्गम के बीच, प्रोथोरेस और मेजर थोरेस के बीच। ऑप्शन आएगा 5 से 6 टर्गा के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच का कान कहा जा सकता है, कॉकरोच का जो कान होता है उसको क्या कहते हैं? गुदलूम, गुदसूक, श्रृंगिकाएं या उपरोक्त सभी, क्या आएगा? श्रृंगिकाएं तो एंटीना होती हैं। इसका आंसर आएगा गुदलूम, इसको कान कहा जा सकता है, ठीक है, ये आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में श्वास रंध्र हैं, बताइए जल्दी फटाफट, इसका कौन बता रहा है? मीटिंग खत्म होने वाली है, जल्दी बताइए कौन सा आंसर आएगा। अच्छा एक बार वो देख लो ढंग से, नहीं तो फिर मत कहना। 48 बी आंसर है, हाँ सही है, 48 बी आंसर है, 2 जोड़ी बक्स में और 8 जोड़ी उदर में, ठीक है। चलिए जल्दी फटाफट इनको और बताइए, कॉकरोच में क्यूटिकल पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? क्यूटिकल का आवरण मैंने बताया था, क्यूटिकल का बना होता है, किसी ने पूछा भी था, क्या आंसर आएगा? 49 डी, तभी तभी आएगा, ये क्यूटिकल की बनी होती है सब चीजें, हाँ, ट्रेकिया, आहरणाल, जनन वाहिनी सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के अग्र पंख कहलाते हैं, आगे वाले पंख को क्या बोलते हैं? ये भी पढ़ा है हमने, ये ऑप्शन है स्टर्नम, बी ऑप्शन है टर्गम, सी ऑप्शन है इलेट्रा और डी ऑप्शन है संतुलक।
अरे भाई ये तो बार बार पढ़ा था मैंने, इलेक्ट्रा या टेगमिना, याद आ रहा है? हाँ हाँ करते हो, क्या आएगा? हाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? इसके क्वेश्चन तो यार, इसका टेस्ट यार 2 मीटिंग में हो पाएगा, अभी नहीं होगा, अगली मीटिंग भी है इसके बाद, है ना? तैयार रहना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए अभी तक स्कोर लिखते जाना है ना। तो ये वाला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, कौन सा था? कॉकरोच के अग्रपंख कहलाते हैं 50 का। 50 का सही आंसर है सी, इलेक्ट्रा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में चींटी या सूक व कंटक का स्त्रवण करने वाली कोशिका है, कौन सी है? ट्राइकोजन कोशिका, टार्मेजन, आइनोसाइट्स, तंत्रिका संवेदी कोशिका। ये नया क्वेश्चन है 51, इसका आंसर आएगा ए। तो याद रख लेना इसको, ट्राइकोजन कोशिका है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में पाई जाने वाली गुहा है, तो गुहा को क्या बोलते हैं? सीलोम, सीलोम, हीमोसीलोम, एट्रियम, क्या बोले बताएं जरा। हीमोसील कहलाती है कॉकरोच की देह गुहा, मैंने पढ़ा बताया तो था, पढ़ाया था। हाँ सर करते रहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस, तो कॉकरोच की औसतन गति है, ये नोट्स में लिखा है, और कॉकरोच की औसतन गति बताओ एवरेज कितना दौड़ता है? सत्तर से 180 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, डी ऑप्शन आएगा, 70 से 180 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब बाकी का जो टेस्ट है वो अगली मीटिंग में अपन करना है ना।